तकनीक के आगमन के साथ कई क्षेत्रों में क्रांति देखने को मिलता है। कहने का मतलब हुआ कि तकनीक ने कई क्षेत्रों में क्रांति लाई है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्षेत्र भी तकनीक के क्रांति से अछूता नहीं रहा है। टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव यानी पॉजिटिव चेंजेस लाई है। टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को अपडेट किया है। इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन वह प्रोसेस होता है जिसमें टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जाता है ताकि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस को कारगर बनाया जा सके। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस को इनहेंस किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन में टेक्नोलॉजी के अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि किस हद तक इम्प्लॉइज पर्टिकुलर पोस्ट या जॉब के लिए फिट है, और इस बात को डिसाइड करने के लिए इम्प्लॉइज का नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज को कंसीडर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में प्रयास यह रहता है कि वेब बेस्ड रिसोर्सेज या इंटरनेट की सहायता से जॉब या पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट दिया जाए और फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जाए ताकि सुटेबल इम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए बुलाया जा सके। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में प्रयास यह रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइम और कॉस्ट को बचाया जा सके। असेसमेंट एंड टेस्टिंग। ऑनलाइन असेसमेंट और टेस्टिंग में कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन के लिए बहुत सारे टेस्ट और असाइनमेंट्स को कंडक्ट कराती है ताकि वे कैंडिडेट्स के स्किल्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और कैंडिडेट का बैकग्राउंड और कल्चरल इंफॉर्मेशन को जान सके। इन सब जानकारी की सहायता से ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर पाती है और हाँ, जॉब या पोस्ट को ध्यान में रखकर ही असाइनमेंट्स और टेस्ट को तैयार किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ऑनलाइन असेसमेंट और टेस्टिंग के हेल्प से राइट कैंडिडेट्स तक पहुंचना तो आसान होता ही है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन अपने टाइम और बाकी रिसोर्सेस को सेव कर पाती है। अगला टेक्निक स्टेप के रूप में सामने निकल कर आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से कैंडिडेट्स के डेटा को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है और डेटा को जॉब स्पेसिफिकेशंस के साथ कंपेयर किया जाता है, जिसके हेल्प से कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन बेहतर तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। अच्छा, हमें पता है कि ह्यूमंस में किसी न किसी प्रकार का बायस देखने को मिलता है। अगर कैंडिडेट्स के डेटा का एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो फिर बायस का स्कोप नहीं रहता और जॉब या पोस्ट के अनुसार बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन का चांसेस और भी बढ़ जाता है। अगला मेथड है